तो हे गाइस, कैसे हो आप दोस्तों। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप फेसबुक से अपना डाटा कैसे, मतलब कि अपने डाटा की कैसे एक फाइल बना के अपने फ़ोन में डाउनलोड कर सकते हो। अब डाटा कैसा, आप ये सोच रहे होंगे, आपने मतलब जितना फ़ोटो आपने मतलब फेसबुक पे अपलोड किया है, या फिर जिस फोटो में आपको टैग किया गया है, या फिर जो फ़ोटो आपने शेयर किया है, या फिर जो फ़ोटो जिस पे आपने लाइक किया है, कमेंट किया है, वो सारा डाटा आपका FB में एक फ़ाइल बनकर आप अपने फ़ोन में देख सकते हो, और उसे मतलब कि डाउनलोड करके आप पता लगा सकते हो कि हमने FB पे अब तक हमने क्या क्या किया है। ठीक है, तो मैं आपको बताऊंगा कि आप क्या कैसे कर सकते हो ये सब। तो वीडियो पूरी लास्ट तक देखिए, और चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो मैं आपको बता दूं, मेरे फ़ोन में भी फेसबुक लाइट है, तो मैं इसे ओपन करूंगा। तो आप अपने जो भी अकाउंट हो उसमें कर लीजिए लॉगिन। लॉगिन करने के बाद आपको जाना है 3 डॉट पर। यहाँ पर जाने के बाद आपको यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद आपको यहाँ पर सेटिंग का ऑप्शन एक मिल रहा होगा, आपको यहाँ पर कर देना है एक बार क्लिक। बहुत सारी सेटिंग आ जाएंगी, लेकिन आपको जस्ट नीचे स्क्रॉल करते जाना है। और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल रहा होगा, ट्रांसफ़र ए कॉपी ऑफ योर फोटोज़ और वीडियो। ठीक है, यहाँ बता रहा है कि आप अपने फ़ोटो और वीडियो ट्रांसफ़र कर सकते हो एक कॉपी बनाकर। ठीक है, तो ये हमें ऐसे मतलब ले जाएगा, तो आपका जो भी फेसबुक अकाउंट हो तो ऐसे खुल जाएगा। ठीक है, तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। अब आप यहाँ पर हिंदी में सब मेरा आ गया है, तो मैं आपको बता दूँ, ये लिखा है गंतव्य चुने। ठीक है, तो यहाँ पर आपको चुन लेना है गंतव्य। ठीक है, उसके बाद थोड़ा यहाँ पर आपको मतलब कि आप सीधे अपनी जानकारी डाउनलोड करें, ये नीला दिखाई दे रहा है, आपको एक बार यहाँ पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर बहुत सारी मतलब मिल जाएंगे, पोस्ट, फोटो और वीडियो डाउनलोड करना चाहते हो, आप कमेंट भी डाउनलोड करना चाहते हो, लाइक और रिएक्शन, दोस्त, मतलब आपके जो भी दोस्त कनेक्ट हैं उनकी मतलब सारी इन्फॉर्मेशन डाउनलोड करना चाहते हो, आपका ग्रुप इवेंट वगैरह, अगर आप सबको मतलब सबकी कॉपी बनाना चाहते हो तो यहाँ पर सभी का चयन मतलब कर लीजिए, सभी का चयन करें। तो मैंने यहाँ कर लिया। ठीक है, वैसे आप अपने अनुसार भी कर सकते हो, जिसका मतलब कि आपको आपका डेटा चाहिए। यहाँ पर करने के बाद आपको यहाँ पर तिथि सीमा मिल जाएगी, आप यहाँ पर इसे करके अपने जो भी डेट का आपको डेटा चाहिए कब से कब तक, यहाँ पर कर लेना सेट। लेकिन मैं यहाँ पर मेरा पूरा डाटा मैं यहाँ पर रहने देता हूँ। यहाँ आपको फॉर्मेट मिल जाएगा, यह आपको HTML पर ही सेलेक्ट रहने देना है। मीडिया की यहाँ पर मिल जाएगी गुणवत्ता, तो आपको यहाँ पर उच्च कर देना है, जो सबसे हाई है। ठीक है, वो आपको कर देना है, और यहाँ पर फाइल बनाए पे आपको कर देना है क्लिक। तो आप देख सकते हो कि मेरा ये 2 दिसंबर 2017 से 5 नवंबर 2020 तक, ठीक है, जानकारी, पोस्ट, लाइक और रिएक्शन और आदि सब मेरा यहाँ पर कॉपी बनाई जा रही है। अब हम देख सकते हो कि आपकी जानकारी की कॉपी बनाई जा रही है, आपकी कॉपी में इस आधार पर एक से ज़्यादा फाइल हो सकती है कि आपके अनुरोध में कितनी जानकारी शामिल है। जब आपकी कॉपी पूरी हो जाएगी तो हम आपको बता देंगे, ताकि आप उसे अपने पसंदीदा डिवाइस में डाउनलोड कर सकें। ठीक है, तो अभी मेरे मतलब लंबित में है, मतलब कि अभी इसकी कॉपी बनाई जा रही है। तो दोस्तों, अभी इसमें बेट लगे, तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लो यार, फ्री में होता है तो सब्सक्राइब कर दो यार। और मिलता हूँ हमसे अगली वीडियो में। तो जय हिंद, वंदे मातरम।